जिला रूपनगर के तहत पड़ते बोंगा साहिब के एक पेट्रोल पंप मालिक सुरेंद्र सिंह पल्ला का 30 सितंबर 2020 को घर जाते समय अचानक लापता हो जाने व उसके अपराध उसका शव 1 अक्टूबर को भाकड़ा नहर से मिलने के मामले से पर्दा उठाते हुए जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर अगर चौधरी ने बताया कि सुरेंद्र बल्ला की हत्या 3 गहरे दोस्तों बलविंदर सिंह, अमरीक सिंह और जशपाल सिंह निवासी कीर्त साहिब ने की थी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लाइन रूपनगर में पत्रकारों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर अखर चौधरी ने कहा कि ये तीनों दोस्त कर्ज में डूबे हुए थे और फिरौती के लिए सुरेंद्र भल्ला की अपहरण की योजना बनाई थी और उसी दिन उन्होंने पेट्रोल पंप मालिक के स्कूटर को अपनी कार से टक्कर मार दी थी और उसका अपहरण कर लिया था। लेकिन सुरेंद्र सिंह पल्ला ने एक आरोपी को पहचान लिया तो उसने पेट्रोल पंप मालिक को गंभीर रूप से घायल करने के उपरांत नहर में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि पकड़े गए तीनों लोगों से इस कांड में प्रयोग की गई कार, मोबाइल व मृतक के जरूरी कागजात के अलावा कुछ अन्य चीजें भी बरामद की हैं। सुने पत्रकारों से बात करते हुए जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर अखिल चौधरी ने क्या कहा। ए रोपड़ पुलिस वालों ये सेंसेशनल मर्डर केस जो लगभग 6 महीने तो ऊपर हो गए ने, पुलिस नू फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 1 अक्टूबर नू मिली सी कि अनआइडेंटिफाइड बॉडी रिकवर हुई सी। ते उस दे बाद पुलिस ने वर्कआउट किया, ते वक वक पहलुआ नू एग्जामिन करन लई SIT ने इस केस च इन्वेस्टिगेशन की, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, ह्यूमन इनपुट्स बेस्ड इन्वेस्टिगेशन, ते टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। तो जिवें कि ये एक लोकल एरिया दे हिसाब नाल सेंसेशनल केस सी, फ्यूल पंप ओनर सी, तो विक्टिम दी सोशल एक बियरिंग भी चंगी सी, कोई दुश्मनी नहीं सी, कोई बात ऐसी नहीं सी। पुलिस ने सारा वर्कआउट किया, तो 6 महीने दे डिटेल इन्वेस्टिगेशन दे बाद पुलिस ने 3 बंदे अरेस्ट इस किते ने। तीनों दी जो एज प्रोफाइल हैगी 20 तो 30 साल हैगी है। ये तीनों ही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट करके ये इन्हों देनदारी सीगी, पैसे इन्हों को नहीं सीगे। इन्होंने फ्यूल पंप ओनर करके ये एज्यूम किया कि इन्हें भल्ला कोल काफ़ी पैसे हैगे है, दे एज्यूम कि 15 तो 20 लाख जो है कम से कम पैसे इन्हों मिल सकते हैं। इस करके इन्होंने सारा प्लैन किया, रेकी की, सिलेक्टिवली टारगेटिंग करके पूरा वर्कआउट किया। 30 तारीख की रात को जब फ्यूल पंप ओनर सुरेंद्र भल्ला रात को अपना काम करके जब निकले तो इन्होंने नाल दी नाल पीछा कर दे गड्डी नू, जो ये गड्डी ते सवार सी इन्होंने स्कूटी ते हिट किया, ते ओवर पावर करके स्कूटी ते और सारी चेक की, ते इस जद्दोजहद ते ब्रूटल इंजरी हुई। उस दे बाद गड्डी ते लैके इसनू पीछे लै गए, फिर इन्होंने सोचा कि पैसे हुण मिल तो नहीं सके ते कॉल की जाए, फिर कोई मोबाइल भी नहीं मिले, तो इस सारे डर के कारण ते ये आइडेंटिफाई भी हो गए से। दैन दे थॉट कि हुण कोई ऑप्शन नहीं हैगा, दैन दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ, तो इन्होंने नहर ते सुटता। ते कॉज ऑफ डैथ जो है हैड इंजरी ते ड्राउनिंग इस केस च हैगी। पुलिस ने सारे पक्षों एनालिसिस करके ये पाया हैगा कि जो इनिशियली रॉबरी दी गल सी वो इन्होंने रैनसम कोशिश की और उसके बाद इवेंचुअली विक्टिम वाज मर्डर्ड। इनकी बैकग्राउंड की है, ये की काम कर रहे हैं, एज कितनी है? तीनों दी एज प्रोफाइल 20 तो 30 साल हैगी है। ये छुटपुट काम करते सी जो पिछले लॉकडाउन के समय ते कोई काम ना होने कारण पर इन्हों का काम नहीं रहा सी, कोई इन्हों के हाथ से पैसे नहीं सी, देवर फाइनेंशियली ट्रबल्ड। पेश करते जी कितने दिन का रिमांड है? ये आज इन्हों पेश करना हैगा, वी विल आस्क फॉर पुलिस कस्टडी सबस्टेंशियली और जो भी इन्वेस्टिगेशन ते गल आऊगी वक वक पहलू ते उसमें एग्जामिन करा। रिकवरी की होगी? इस तीनों से रिकवरी मोबाइल फोन जो भल्ला कोल सी, चेकबुक ते डॉक्यूमेंट्स जो हैगे वो रिकवर हुए ने। सर जिहड़े पैसे ने उन्हें लगता सी वो कोल हैगे ने सुंदर, वो कोई पैसे लुट खुट हुई उस पैसे को? वो पैसे इन्हां दी लड़ाई जब मौके ते हुई तो उसी ते पैसे उत्थे रिकवर अगले दिन ही हो गए सी पुलिस नू 1 अक्टूबर नू। किन्नी अमाउंट सी वो? 4000 दे करीब सी। सिटी हलचल के लिए रूपनगर से तेजेंद्र सिंह की रिपोर्ट।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे बापू गंगादास जी टीवीएस शोरूम कीरतपुर साहिब। यहां से टीवीएस की कोई भी गाड़ी खरीदने पर मिलेंगे 3 आकर्षक उपहार। नकद गाड़ी खरीदने पर 2500 रुपए की छूट, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, 4300 का भुगतान कर कोई भी गाड़ी ले जाएं अपने घर, 5 साल की इंश्योरेंस, 5 साल की वारंटी व 2 साल तक निःशुल्क सर्विस की सुविधा के साथ और भी कई लाभ पाएं। यह मौका हाथ से न जाने दें और पहुंचे टीवीएस गाड़ी खरीदने के लिए टीवीएस शोरूम बापू गंगादास जी कीरतपुर साहिब। वसीम गारमेंट मेन मार्केट वाली दुकान बदलकर अब नंगल भाखड़ा मुख्य मार्ग पर खुल गई है। यहां आपको मिलेंगे बच्चों से लेकर लेडीज बच्चांस के एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिजाइनों के ब्रांडेड कपड़े, वह भी होलसेल रेट पर। तो जरूर एक बार सेवा का मौका दे, क्योंकि एक बार आओगे तो बार बार आओगे, यह दावा है वसीम गारमेंट्स का। वसीम गारमेंट 82 हिलव्यू एनक्लेव भाखड़ा रोड। संपर्क करें फोन नंबर 94634-9376-85560-88974। सारे नगर निवासी रास बेनती करते हैं कि सानू एक बारी सेवा का मौका दो और बाजार नालों सस्ते दाम पे हर आइटम मिलेगी।